आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। उत्तरी पश्चिमी दिल्ली में चोरों के हौसले बुलंद, चोरी करते हुए पकड़े जाने की आशंका के बाद लोगों को चोरों ने पीटा, चार लोगों को आई गंभीर चोट। आजादपुर मंडी में चोरी की वारदात को अंजाम देने आए 8 से 10 की संख्या में चोरों ने मंडी में मौजूद कर्मचारियों के साथ की मारपीट, पुलिस मामले की जांच में जुटी। उत्तर पश्चिम दिल्ली क्या है, आजादपुर मंडी में चोरों के हौसले किस कदर बुलंद है, उसकी एक बात बीती रात देखने को मिली, जहां चोरों ने मंडी में मौजूद कुछ लोगों की बुरी तरीके से पिटाई कर दी। अब तक आप लोगों ने दोरा चोरों की पिटाई की खबरें तो खूब सुनी होगी, लेकिन आजादपुर मंडी के अंदर चोर इतने बेखौफ है कि 8 से 10 की संख्या में चोरी की वारदात को अंजाम देने आते हैं, और जब कोई उन्हें ऐसा करते देख ले और विरोध करे तो उन लोगों की ही पिटाई कर देते हैं। मामला दिल्ली की आजादपुर मंडी का, एशिया की सबसे बड़ी मंडी, जहां पर बीते 8 से 10 की संख्या में आज चोर वारदात को अंजाम दे रहे थे, तभी वहां मौजूद कुछ कर्मचारियों ने उन्हें देख लिया और इस बात का विरोध किया, होने पर चोर पकड़े जाएंगे। इस आशंका से उन चोरों ने वहां मौजूद कर्मचारियों के ही बुरी तरीके से पिटाई कर मौके से फरार हो गए। इस मारपीट में 4 लोगों को गंभीर चोट आई है। फिलहाल महिंद्रा पार्क थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है और आजादपुर मंडी के अंदर लगे हुए सीसीटीवी कैमरे को भी खंगाला जा रहा है, लेकिन इस तरीके की वारदातें अब कहीं ना कहीं ये साफ करती हैं कि अगर चोर किसी वारदात को अंजाम दे रहे हैं तो विरोध करना भी लोगों को भारी पड़ रहा है। दिल्ली से न्यूज 9 भारत के लिए संजय सिंह की रिपोर्ट। रुपेश, क्या हुआ था? वहाँ धनिया उठा लिया था मेरे भाई से, वहाँ मैं बैठा था, इससे झगड़ा हुआ तो मैं किया, मैं कुछ नहीं बोला, मेरे काया मारने का। कौन लोग थे, कितने लोग थे वो? 5-7 लोग। 5-7 लोग थे, कहाँ के रहने वाला कुछ पता है? अभी तक पुलिस का क्या कार्रवाई रहा? पुलिस को कुछ भी कार्रवाई नहीं हुआ। अब बाबू जगजीवन में आए हुआ, क्या इलाज अभी नहीं हुआ? अभी भी नहीं हुआ इधर। आप कितने देर से आए हुए? 1 घंटा हो गया। अच्छा, अभी इलाज नहीं हुआ? नहीं। आपका वो कटा हुआ है, बाकी कोई ट्रीटमेंट नहीं हुआ? नीचे। क्या हुआ था तुम्हारे साथ? मार पीट। कौन किया है बंदा, क्या नाम है? चोर था। कहाँ के रहने वाला कुछ पता है? मंडी के रहने वाला था, बरोला सराय। तेरा क्या नाम है? गार्ड का नाम चिल्लू है, गोविंद चौकीदारी करता है। वो भी क्या छेदी कौन है? अभी तक पुलिस का क्या कार्रवाई रहा? पुलिस का कोई रवैया नहीं सामने आया। किशन कुमार यादव। किशन, क्या हुआ था? हुआ ये था कि एक दो चोर आया, पहले माल चोरी कर लिया, फिर उसको पकड़े गए और फिर मांगने पर लड़ाई झगड़ा किए, 5-7 आदमी आए और मारना पीटना शुरू कर दिया। बहुत सारे उसके और अभी आदमी था, हम लोग जान बचा कर भागे हैं। वो लोग कौन थे? वो मंडी एक बंदा को जानता हूँ, उसमें वो मंडी में चौकीदारी करता है और गोभी गरी लगवाता है, चिल्लू कहता है उसको। वो कहाँ रहता है? वो भरोला में रहता है। अच्छा, किस वजह से मारपीट हुई है? माल चोरी करने की घटना। अच्छा, माल चोरी करने आया था। हाँ। उसके बाद आप लोग 100 नंबर पर कॉल किए? 100 नंबर पर कॉल किए थे, बोला कहाँ झगड़ा हुआ, ये सब पूछताछ करके बोला शाम को बात करते हैं। फिर हम लोग चौकी गए, चौकी में सचिन के पास भेजा गया और वहाँ पर बात करने के बाद यहाँ जगजीवन राम इलाज के लिए भेजा गया। तो हम लोग चोर को पकड़ लिए, पकड़ने के बाद उसके 5-7 आदमी बंदे सब उसका भाई लोग आए और हम लोग मारना पीटना शुरू करिए, हम लोग 3-4 जने को मार करके वो लोग निकल गए। आप लोगों का कहाँ कहाँ चोट लगा है? हमको मुंह लगा है,
मेरे भाई को मोम लगा है, एक को बैम लगा है। और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगी इजाजत, नमस्कार।